शिमला जिला के रामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक की वास्तविकताओं से लोगों को अवगत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया कि किस तरह से CAA का दुष्प्रचार कर लोगों में संशय पैदा कर राजनीतिकरण हो रहा है। इस दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम को सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। नागरिकता जागरूकता सम्मेलन के अवसर पर रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में साधु महात्माओं के साथ विश्व हिंदू परिषद के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उसके दौरान मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रांत संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद अजय श्याम ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर विस्तार से अपनी बात रखी। अजय श्याम भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि हिंदू जागरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में सम्मेलन किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो मात्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जो प्रताड़ना का शिकार है उन्हें नागरिकता देने के बारे में प्रयास किए गए हैं। 1951 के UNO के रेफ्यूजिकल मेंशन में भी साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी देश में कोई ऐसा समूह जातीय, नस्लीय, आर्थिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होता है तो दूसरे देश की शरण ले सकता है। जिला सोलन 2020 क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर से आए करीबन 20 टीमों ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 7 दिसंबर से आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह में हिमाचल 2020 क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरें और प्रदेश का नाम रोशन करें। इस मौके पर हिमाचल 2020 क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर शर्मा ने बताया कि आज का युवा अपनी दिशा न भटके इसके लिए उनकी संस्था द्वारा 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के युवा को खेलों में व्यस्त रखकर उनकी ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं, साथ ही खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को भी निखारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 18 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इसमें जिला भर से आई 20 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए संस्था की ओर से 21,000 और 11,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोलन की बड़ोक क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई। आग कार के इंजन से भड़की और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। चालक ने जैसे ही आग को देखा वह तुरंत कार से उतर गया। इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को नियंत्रित कर लिया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसके बारे में जाँच की जा रही है। सोलन जिला में कार में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक सही दौर पर ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर वाहनों में आग लगती क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जब वाहनों में आग लगती है तो वाहन चालक के सामने धूं धूं कर जल जाता है और वाहन चालक केवल हाथ मलता रह जाता है। गनीमत यह है कि अभी तक सोलन में जो भी हादसे हुए हैं उसमें किसी भी चालक को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा है। सोलन में SJ डांसिंग जोन ने क्रिसमस के मौके पर चिल्ड्रन पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ADM सोलन विवेक चंदेल बतौर मुख्य अतिथि, वहीं ASP शिव कुमार बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संस्था ने कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं द्वारा नशे और सामाजिक बुराइयों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया।
इस मौके पर एसजी डांसिंग जोन के एमडी शीतल गुप्ता और जोनी कुमार ने बताया कि वे पिछले 6 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे नशे से दूर रहें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जहां एक और नशा युवाओं को खोखला कर उन्हें कमजोर बनाता है, वहीं कुछ करने का जुनून युवाओं को मजबूत बनाता है। इसलिए युवाओं को नशे का नहीं बल्कि कुछ करने का जुनून, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने का जुनून होना चाहिए, तभी वे देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं।